बसवना ने कर्नाटक को लोकतंत्र की सोच और सबको एक साथ मिलकर आगे ले जाने की सोच दी और यही सोच कांग्रेस पार्टी की, मेरी, खारगे जी, सिद्धरमैया जी, हम सब की सोच। और बसवना को समझना है तो उनकी एक लाइन से उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा काम समझा जा सकता है और वो शब्द है नुडिडंटे नडे। नुडिडंटे नडे मतलब जो कहते हो वो करके दिखाओ। शब्द खोखले नहीं होने चाहिए, शब्द झूठे नहीं होने चाहिए, शब्द में वजन होना चाहिए और जो व्यक्ति कहता है उसको करके दिखाना चाहिए। आज सुबह मेरी एक मीटिंग हुई, कॉलेज की लड़कियां थी और उनसे मैं बातचीत कर रहा था, वो मुझसे सवाल पूछ रही थी। पहला सवाल एक लड़की ने मुझसे पूछा, राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, मेक इन इंडिया की बात की, मगर वो पूरा का पूरा खोखला निकला। नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कोई वजन नहीं था। तो आपकी सरकार आएगी तो आप रोजगार के बारे में क्या करोगे? एक दूसरी लड़की खड़ी हुई, कहती है कि नोटबंदी से किसी को फायदा नहीं हुआ, बेकार स्कीम था। तीसरी लड़की खड़ी होती है, कहती है हिंदुस्तान की जीएसटी 28% क्यों है और 5 अलग अलग जीएसटी के टैक्स क्यों है? मतलब 18 साल 20 साल की लड़कियों को बात समझ आ गई मगर नरेंद्र मोदी जी को अभी तक बात समझ नहीं आई। कहीं 2 करोड़ रोजगार का वायदा करेंगे, कहीं और जाके कहेंगे हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, मीटिंग में कोई एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख छोड़ो 10 रुपए डाले हो? 10 पैसा नहीं डाला, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए छोड़ो, आपको लाइन में खड़ा कर दिया। 8 नवंबर को कहते हैं 500 और 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको मैं रद्दी करने जा रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है और बैंक के अंदर हिंदुस्तान के सब चोरों ने अपने काले धन को सफेद कर दिया नरेंद्र मोदी की मदद से। आपने अपने आप से सवाल पूछा, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने पूछा कि भैया ये बड़ी अजीब सी बात है, पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने खड़ा हुआ है मगर एक अमीर व्यक्ति, एक चोर, एक करोड़पति इस लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है। फिर नरेंद्र मोदी कर्नाटक आते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उन्हीं के स्टेज पर येदुरप्पा जी और 4 मिनिस्टर उनके साथ खड़े हैं। किसान कर्जा माफी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों का माफ कर सकते हैं मगर हिंदुस्तान के किसान का 1 रुपया नहीं माफ कर सकते। मैं स्वयं उनके ऑफिस गया और मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कृपया करके उनका कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया और वही सवाल मैंने सिद्धरमैया जी, खारगे जी, परमेश्वर जी से पूछा। मैंने सिद्धरमैया जी से पूछा, क्या कर्नाटक की सरकार किसान का कर्जा माफ कर सकती है? और 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगे, 10 दिन के अंदर 8000 करोड़ रुपया किसान का कर्जा माफ कर्नाटक की सरकार ने कर दिया। बीजेपी की सरकार से 3 गुना ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिंचाई में किसानों के लिए डाला है और लाखों किसानों को 3 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। बीजेपी ने आपका पैसा छीनकर सबसे बड़े कर्नाटक के अमीर लोगों को दिया, उनके 4 मंत्री और चीफ मिनिस्टर जेल गए और वही पैसा हमने आपको दिया। 7 केजी चावल हर व्यक्ति को, एक परिवार में 2 लोग तो 2 को 7 केजी,
तीन लोग तो तीन को, चार लोग तो चार को, सात के लिए 7 केजी चावल। शीर भाग्य प्रोग्राम में मुफ्त में बच्चों को दूध। कर्नाटक में लड़कियों की शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त में, फ्री में। तो एक तरफ बीजेपी जो आपके पैसे को लेकर भ्रष्टाचार करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो आपका पैसा है आपको वापस देती है, शिक्षा में डालती है, अस्पतालों में डालती है, किसानों को देती है, कर्जा माफ करती है। मगर बीजेपी सिर्फ आपका पैसा छीनने का काम नहीं करती, अब नया फैशन है बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अंबेडकर जी लड़े, कांग्रेस पार्टी लड़ी, और अब बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहती। चाहे बीजेपी कितना भी दम लगा दे, अंबेडकर जी ने जो काम किया था उसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। जितना पैसा बीजेपी दलितों और आदिवासियों को पूरे देश में देती है, उसका आधा पैसा कांग्रेस पार्टी सिर्फ कर्नाटक में देती है दलितों और आदिवासियों को। चुनाव आ रहा है, आपको निर्णय लेना है। कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए, सिद्धरमैया जी, खारगे जी, हम सबको आप जिम्मेदारी दीजिए, और आप देखिए जैसे हमने कर्नाटक के लिए पिछले 5 सालों में काम किया उससे दुगना काम हम आपको करके दिखा देंगे। और जो हमारी विचारधारा के लिए लड़ेगा, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ेगा, हम उसकी रक्षा करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।